A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ समय बाद ही हम लोगों ने ऊपर अब जब आंखें उठाई तो वहां देखा कि जो साउथ अफ्रीका के जेट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या ट्रूप कैरियर्स हैं, उन्होंने यूनियन बिल्डिंग के ऊपर एक पूरा अपना प्रदर्शन दिखाया था. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. ये जो डिस्प्ले हो रहा था मिलिट्री फोर्स का या जो भी हमें चीजें दिखाई जा रही थी बिल्कुल प्रिसाइसली वो एक तरह से डेमोन्स्ट्रेशन था मिलिट्री वालों की लॉयल्टी का, जो वो दिखा रहे थे अपने डेमोक्रेसी के प्रति एक नई गवर्नमेंट के लिए जो बिल्कुल ही फ्रीली और फेयरली इलेक्ट करी गई थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस देयर चेस्ट बी डेक्ड विद रिबन्स एंड मेडल्स From days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही क्षण पहले जो बहुत ही बड़े बड़े जनरल्स थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के, जिनके सीने पर रिबन्स और बिल्ले लगे हुए थे पहले के उनके अचीवमेंट्स के लिए, उन्होंने मुझे सल्यूट किया और फिर शपथ ली उनकी लॉयल्टी के लिए. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मेरे दिमाग से ये बात नहीं जाती, मेरे को अच्छा से याद है कि अभी कुछ साल पहले की बात थी जब ये लोग मुझे सल्यूट नहीं करते थे बल्कि मुझे अरेस्ट करते थे. Finally, our chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of new South African flag. इसके बाद एक शेवरॉन निकला, जो जेट्स होते हैं इम्पाला जेट्स, उनका एक शेवरॉन निकला और उस जो है वो आसमान में धुआं छोड़ता हुआ निकला और उस धुएं में कौन कौन से रंग थे, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड, जो कि दर्शा रहे थे नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग को. द डे वॉज सिंपलाइज फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर टू नेशनल एंथम्स एंड द विजन ऑफ व्हाइट्स सिंगिंग Kosi Sikelel Afrika and Black Singing Die Stem, the old anthem of the Republic. अब ये जो है मेरे लिए दिन एक यादगार है क्योंकि यहाँ पर दो नेशनल एंथम्स गाए गए और साथ ही साथ जो वाइस थे उनका जो विजन था वो गा रहे थे Kosi Sikelel Afrika और जो ब्लैक्स थे वो Die Stem गा रहे थे जो कि हमारी रिपब्लिक का पुराना नेशनल एंथम था. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem that once despised, they would soon know the words by heart. वो दिन दूर नहीं है जब आज ये जो ग्रुप्स हैं, जिनको इन एंथम्स के लिरिक्स तक नहीं याद है, वो बहुत जल्दी इन्हीं शब्दों को by heart रट लेंगे. On the day of the inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. मेरा जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन मैं बहुत ज्यादा अपने इतिहास को सोचकर एक भाव विभोर हो रहा था. इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अ फ्यू इयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो बोअर वॉर एंड बिफोर माय ओन बर्थ, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड. जब शुरुआती दशक में 20th सेंचुरी के कुछ समय पहले की बात है, जब एंग्लो वॉर हुआ था और मेरे खुद के बर्थ से पहले जो वाइट स्किन लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने क्या किया, आपस में जो अपने डिफरेंसेस थे उनको पैच अप किया और फिर उन्होंने एक सिस्टम बना दिया इस रेशियल डोमिनेशन का डार्क स्किन लोगों के खिलाफ जो कि उनकी अपनी खुद की जमीन पे थे. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज The world has ever known. ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर क्रिएट किया या तैयार किया उससे क्या हुआ कि एक ऐसी सोसाइटी जन्म ले ली दुनिया में जो सबसे ज्यादा हार्श थी और सबसे ज्यादा इनह्यूमन थी. Now in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one
that recognize the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. पर ये जो 20th सेंचुरी का आखिरी दशक है और मेरी खुद के 80 साल की जिंदगी में एक इंसान के जैसे ये सिस्टम जो है अब हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है और उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम ने ली है जो कि जिसमें राइट्स हैं सब लोगों के लिए फ्रीडम है चाहे वो किसी भी कलर के हो उनकी स्किन का कलर कैसा ही क्यों ना हो. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द unimaginable sacrifices of thousands of my people, people whose suffering and courage can never be counted or repaid. ये जो आज का दिन आया है ये उन हजारों जो हम imagine भी नहीं कर सकते उन हजारों लोगों की sacrifices के बाद हुआ है जो लोग बहुत दिन लोगों ने सफर किया फिर भी पूरा हिम्मत दिखाई उनकी उस हिम्मत उस suffering को ना तो हम कभी count कर सकते हैं और ना repay कर सकते हैं. I felt that day as I have on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. जैसा मैं बाकी और दिनों में महसूस करता था उस दिन भी मैं ऐसे ही महसूस कर रहा था कि जो African patriots अब तक जा चुके हैं मेरे से पहले मैं उन सब का एक सम हूँ यानी कि सब मेरे अंदर हैं और मेरे थ्रू जो है इस आजादी को महसूस कर रहे हैं. That long and noble line ended and now begin again with me. वो जो लोग मुझसे पहले जा चुके हैं अब उनकी एक जैसे sacrifice थी जो भी चीजें थी वो खत्म हो चुकी हैं और मेरे से फिर आगे एक नई शुरुआत हो रही है. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. मेरे को इस बात का बहुत दुख है कि मैं उन लोगों का धन्यवाद नहीं कर पाया जो लोग आज उन चीजों को या इस आजादी को देख नहीं पा रहे हैं जो उन्होंने सैक्रिफाइसेस करी जो भी उन्होंने किया उसको जो रिजल्ट निकला वो लोग नहीं देख पाए और ना मैं उनका धन्यवाद कर पाया इसलिए मैं उसको लेकर काफी दुखी हूँ. द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल. ये जो अपार्थाइड की पॉलिसी थी इसकी वजह से जो हम मेरी कंट्री है और जो मेरे लोग हैं उनके दिलों में एक बहुत गहरा और कभी ना मिटने वाला घाव है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सब ही जो है पता नहीं कितने और आगे आने वाले सालों में कह सकते हैं जनरेशन बीत जाए ऐसा नहीं है लेकिन हाँ ये जो हमारे को एक तकलीफ मिली है अपार्थाइड की इससे रिकवर होने में भी हमें सालों लग जाएंगे. बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज इट दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस द वॉलर सिसिलस द चीफ लूथुलस द यूसुफ दादूस द ब्रैम फिशर्स द रॉबर्ट्स ऑफ ओवर टाइम मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज wisdom and generosity that their like may never be known again. पर ये जो इतना ज्यादा oppression हुआ गया दबाया गया एक cruelty दिखाई गई जो इतने दशक बीते हैं इसका जो असर था उसकी वजह से कुछ ऐसे लोग जो है हमारे इतिहास में हुए जिन्होंने इन सब चीजों से लड़ने के लिए एक अलग से ही हिम्मत दिखाई अपनी सूझबूझ दिखाई और वो लोग जो हैं उस तरह के अब दोबारा फिर नहीं हो पाएंगे या ऐसे लोग फिर देखने को नहीं मिलेंगे.